Hello friends, welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we will be discussing the daily newspaper guide for 30th of December 2020. So the year is coming to an end and let us see what we have in this newspaper. The year has not been good particularly and आज के लास्ट दिन की न्यूज़ भी कुछ ऐसी ही है। 6 यूके रिटर्नीज टेस्ट पॉजिटिव फॉर न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट। जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का विच हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन यूके, एक नया स्ट्रेन है, एक नई म्यूटेशन है, उसके कुछ लोग डिटेक्ट किए गए हैं। व्हाट विल बी द न्यू चैलेंजेस फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, फॉर इट्स कंटेनमेंट, यह भी देखना बाकी है। इसको पूरी तरह से स्टडी नहीं किया जा सका है, सो साइंटिफिकली वी डू नॉट नो व्हाट इट्स इम्प्लीकेशंस विल बी ऑन द न्यू वैक्सीन्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड। कुछ वैक्सीन्स को तो एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर लिया गया है और यूके में तो स्पेसिफिकली यूके वाज द फर्स्ट कंट्री दिस ईयर टू एक्चुअली जिसने स्टार्ट भी कर दिया एडमिनिस्टर करना वैक्सीन्स को। सो इट रिमेन्स टू बी सीन, वी विल गेट दीज आंसर्स इन द नेक्स्ट ईयर। देन दैट्स अ पॉलिटिकल न्यूज़। रजनीकांत ही लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल पार्टी बट नाउ ही हैज़ अनाउंस्ड that because of health concerns he will not be able to take it further. तो political news है, आपको पढ़नी ज़रूरी नहीं है। And then we move ahead. Let us go straight to the editorial page, which is the page number 6, editorial page. The global angle to farmer protests. तो global angle क्या है farmer protests का, यानी कि इसमें जो मिस उत्सा पटनायक हैं इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि सिर्फ डोमेस्टिक फर्म्स इससे बेनिफिट नहीं होंगी, इनफैक्ट फॉरेन एग्रीकल्चर बिजनेस विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दीज एग्रीकल्चर लॉज। तो एक क्रिटिकल आर्टिकल लिखा है इन्होंने फार्म रिफॉर्म्स पे, इसे आप पढ़ सकते हैं एंड एड इट टू योर किटी, जहाँ पर भी आप ये पूरा इशू जो है उसको सम अप कर रहे हैं। सेकेंड ये वाला आर्टिकल है, अगेन दिस इज़ ऑन कोरोना वायरस, कि अब क्योंकि केसेस कम होने शुरू हो गए हैं डू नॉट टेक इट लाइटली। जो गवर्नमेंट ने सर्वाइलेंस गाइडलाइंस इशू की थी उसके अकॉर्डिंग ही अभी भी पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चलना चाहिए। इस आर्टिकल का क्रक्स ये है दैट द स्टेट्स एज वेल एज द सेंटर शुड नॉट लेट द गार्ड डाउन अनटिल द वायरस इज टोटली सबसाइडेड। और अभी जैसे कि नया स्ट्रेन डिस्कवर हुआ है, so that means we still are under vulnerable situations. We cannot afford to take it lightly. Then these articles are not very important. All right, बहुत ज़्यादा news नहीं है आज इस newspaper में। Yes, page number 8. Page number 8 पे Inquest launches Digital Ocean, one-stop solution for varied users, opened by Union Minister of Science and Tech, Mr. Harshvardhan. तो जो Indian National Center for Oceanic Information Services, Inquest जो है, इसने एक Digital Ocean नाम का project launch किया है, which will be a one-stop solution for all data-related needs of users. तो ये एक important news है, आपको पढ़नी है Science and Tech के लिए भी। This news you have to read on page number 8. आगे चलते हैं। In the Hindu there are not many important news today. Let us go towards okay, the world page, yes. On the world page also we do not have any significant news. So no sports page, not at all. Yes, let us go to the Indian Express. There are certain important news in the Indian Express today. सबसे पहले starting with the front page of Indian Express today. Couple has right to live together if both partners are 18 years old, says the High Court. तो fundamental rights के point of view से right to choice, freedoms, उसके अकॉर्डिंग इस तरह की कोई भी जजमेंट जब आती है जो सिविल लॉ के ऊपर हो, दैट यू हैव टू टेक नोट ऑफ. तो इस तरह की जजमेंट्स, दीज यू कैन से द रीसेंट लॉ ऑफ द लैंड, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज़ द रीसेंट लॉ ऑफ द लैंड. तो अब हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी है, देन इसका मतलब ये है दैट इन इंडिया द मैरिजेबल एज फॉर मैन इज़ 21 ईयर्स मिनिमम, वेयर एज फॉर फीमेल्स इट इज़ 18 ईयर्स. लेकिन अब हाई कोर्ट ने कह दिया है दैट द कपल कैन लिव टुगेदर इफ बोथ पार्टनर्स आर 18 ईयर्स ओल्ड. मतलब द मेल्स हु आर 18 to 21 ईयर्स ऑफ एज, इवन दे हैव दिस राइट टू लिव टुगेदर इवन इफ दे डू नॉट हैव द राइट टू मैरी. तो implications on fundamental rights of these people and the laws of the country, ये आपको करना है. Let us skip these pages and go directly to the most important page of the newspaper, that is the explained page. So as the year is drawing to a close, most of the news you will find in the newspapers these days is either about agriculture laws or about the virus. That is the tragedy of the time. Yes, another important news on page number 10. Page number 10 पे ये important news है. Here, more than half the Indian kids and women are anemic. Here's why. तो National Family Health Survey का जो डेटा है वो यहाँ पर एनालाइज किया गया. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा है दैट यू कैन इवन कट इट एंड पुट इट इन योर नोट्स जहाँ पर भी आप बना रहे हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, इसे आप कहीं भी कोट कर सकते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल एज फॉर सब्जेक्टिव आंसर्स. तो इसमें कुछ डेटा कोट किया गया है, अलग अलग यूटी स्टेट्स को कंपेयर किया गया है. दिस न्यूज़ यू हैव टू रीड टुडे इन द इंडियन एक्सप्रेस. एक्सप्लेन्ड पेज, लेसन्स फ्रॉम अ पैंडेमिक. एज द ईयर इज़ ड्राइंग टू अ क्लोज, इस तरह के आर्टिकल्स आपको मिलेंगे. द लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट ईयर. तो बहुत ही जनरल आर्टिकल्स, ट्राई टू अवॉइड बट ट्राई टू बी स्पेसिफिक दैट कि इस साल फॉर एग्जाम्पल दैट ईयर 2020 हैज़ टॉट अस अ ग्रेट लेसन इन क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया. वट कैन वी डू इन द नेक्स्ट ईयर? या अगर यही ट्रेजेडी दोबारा से स्ट्राइक करती है, ऐसी कोई भी, आर वी बेटर प्रिपेयर्ड देन वी वर अर्लियर? क्या हम उससे बेटर प्रिपेयर्ड हैं? वट हैव वी क्रिएटेड टेम्परेली एज वेल एज एट अ परमानेंट लेवल दैट कैन हेल्प अस काउंटर एनी सच सिमिलर पैंडेमिक लेटर ऑन? हैव वी डन समथिंग? वट हैव वी डन? तो इस तरह की चीज़ें, या फिर क्या हम और कर सकते हैं अभी, इस तरह के क्वेश्चंस. तो ये आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा. ये इसमें सारा कुछ बताया है. वैक्सीन रिसर्च, आत्मनिर्भर भारत, वैक्सीन डेवलपमेंट, हेल्थ सिस्टम. तो ये एक अच्छा आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज पे कि एक इस पैंडेमिक से हम क्या क्या लेसन सीख सकते हैं और आगे क्या क्या अच्छा कर सकते हैं. देन अनदर दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम ऑन इंडियन इकोनॉमी. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक सेक्शन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया. सो देर आर 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स. दिस डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये दी गई है. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. जो वेस्टर्न कॉरिडोर है वो आपका चलेगा लुधियाना से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, और जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा, और जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है वो पंजाब में लुधियाना से लेकर ईस्ट में आपके कोलकाता पोर्ट तक जाएगा. सो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बेसिकली हाउ विल इट हेल्प टू, काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. इट्स जस्ट लाइक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या फिर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या द डायमंड क्वाड्रिलेटरल. तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो क्या है ये, इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए, सारा कुछ दिस न्यूज़ यू हैव टू डू. इंडियन इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन में डायरेक्टली दिस न्यूज़ फिट्स इन. देन ये एक आर्टिकल है पावरिंग अप ऑन द एडिटोरियल पेज. पावरिंग अप, द गवर्नमेंट विल नीड टू इंसेंटिवाइज शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. वाइड स्प्रेड अडॉप्शन विल रिक्वायर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सपोर्ट करता है ये पर्टिकुलर एडिटोरियल, दैट द फ्यूचर बिलोंग्स टू रीन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. इससे इकोनॉमी को भी बूस्टअप मिलेगा, इससे एनवायरनमेंट इकोलॉजी को भी बेनिफिट होगा. बट इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? वी नीड पॉलिसी शिफ्ट एंड वी नीड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये आर्टिकल पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक एज वेल एज फॉर इकोनॉमी. देन ऑन द आइडियाज़ पेज, ये भी एक आर्टिकल है, फ्रॉम प्लेट टू प्लो, अच्छा आर्टिकल है ये, MSP APSC APMC सिस्टम के ऊपर लिखा हुआ है, सो इसको आप पढ़ सकते हैं, गुड आर्टिकल इट इज़। उसके अलावा कोई बहुत इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो आज नहीं है। हाँ, ये न्यूज़ एक आपको करनी है, बांग्लादेश सेंड्स मोर रोहिंग्या टू आइलैंड, ये न्यूज़ है आपकी पेज नंबर 16 वर्ल्ड पेज पे। तो एक आइलैंड है जहाँ पर बांग्लादेश जो है वो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को सेंड कर रहा है, सो यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर न्यूज़। इसका आइलैंड का नाम है भसनचार, भसनचार। तो इस आइलैंड पे सारे के सारे रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को भेजा जा रहा है। सो हाउ द यू कैन से द रिफ्यूजीज़ आर टू बी ट्रीटेड, इंडिया की कोई रिफ्यूजी पॉलिसी है या नहीं, देन यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, द रोल इट प्लेज एंड हाउ हैज़ इंडिया ट्रीटेड इट्स रिफ्यूजीज़, हाउ शुड इंडिया ट्रीट द रोहिंग्या मुस्लिम्स, ये सारे इश्यूज़। एंड क्योंकि न्यूज़ में है इसलिए रिफ्यूजीज़ के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल वी हैव टू you have to read in the newspaper today. Thank you, and as the year is drawing to a close, may the next year be very prosperous for all of us, for all of you. Thank you and have a nice day.